स्वागत है आप सबका सोशियोलॉजी सेशंस में। मैं हूं मनीषा कौशिक और मैं आपसे लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हूं ताकि मेरी तरह आप भी पॉजिटिव हो जाएं। और अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो अपनी पॉजिटिविटी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, कोई ऐसे एक्सपीरियंस जिसने आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव किया, ताकि मैं भी उसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। आज मैं बात करूँगी कि अपनी प्रॉब्लम्स को कम कैसे कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। प्रॉब्लम्स तो एक जो चलती है उसके साथ दूसरी फ्री में आती है, और रोज़ाना जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो डबल 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 ट्रिपल होती रहती है। तो उसी बारे में जिक्र करेंगे। हाँ, क्या होता है कि आपने कभी महसूस किया है कि जब हम कोई जोक पहली बार सुनते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है, जब हम दूसरी बार सुनते हैं तो हंसी थोड़ी कम आती है, तीसरी बार थोड़ी और कम, और चौथी बार अगर कोई नया इंसान हमें वो जोक सुनाना शुरू करे तो हम बोलते हैं रहने दो, ये सुना हुआ है हमने, यानी तो वो हंसी वाला क्वेश्चन जो है वो लाइफ से ख़त्म हो जाता है। कांट वी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल टू आर प्रॉब्लम्स? जब हमारे पास प्रॉब्लम पहली बार आई है और हम करते क्या, हम इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दूसरी बार और ज़्यादा परेशान होते हैं, तीसरी बार उससे भी ज़्यादा परेशान होते हैं, और चौथी बार में तो हम शायद अपने सारे हथियार डाल देते हैं कि भैया इस ज़िंदगी का और कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी। आई थिंक लेट्स जस्ट किक दैट एटीट्यूड ऑफ, बिकॉज इससे तो फ़ायदा डेफिनेटली नहीं होगा। रोने पिटने से तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। बट जो मैंने अभी जोक का एग्जाम्पल दिया, क्या वो एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कि जब पहली बार हमने उस प्रॉब्लम के बारे में सुना, ठीक है परेशान होना जायज़ है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और इंसान को की नेचर है कि जब कोई चीज़ अचानक से हमारे कंफर्ट जोन के बाहर आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। जब दूसरी बार सुने तो क्या हम थोड़ा कम परेशान हो सकते हैं कि नहीं यार ऑलरेडी कल मैंने सारा दिन इसी परेशानी में निकाल दिया है? तीसरी बार थोड़ा और कम, और चौथी बार हम अपने आप को अगर यही समझा लेना कि नाउ इट इज़ टाइम टू टेक एन एक्शन, ये प्रॉब्लम ठीक है मैं हो गया परेशान, अब सोल्यूशन की तरफ बात ना करें, टॉक टू पीपल, टॉक टू एनी वन हु यू थिंक कैन हेल्प यू विद दैट प्रॉब्लम। मम्मी यू नो योर पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल, और माँ जो आपको इस दुनिया में लेकर आई है ना, भले उसके पास उस चीज़ का सोल्यूशन हो या ना हो, लेकिन वो जिस दिन ये कह देती है ना कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा, जस्ट रिमेंबर दैट वर्ड, कि जब चोट भी लगती थी ना वो एक हल्की सी फूंक मार देती थी और कहती थी कि ठीक हो गया, तो हमें साइकोलॉजिकली लगता था कि सच में ठीक हो गया। बहुत शक्ति है। अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, डिस्कस इट विद एनीवन हु यू थिंक कैन, वो सिर्फ आपकी एक फूंक जो है वो आपकी लाइफ में मार देंगे और आपकी प्रॉब्लम्स सच में चली जाएंगी।